मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर सेवानिवृत्त। अक्सर मेरे मन में एक सवाल आता है जो कि मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूं। क्या है मेरे भारतीय होने की असली पहचान? क्या मेरा हिंदू धर्म मेरे भारतीय होने की असली पहचान है? क्या मेरी जाति मेरे भारतीय होने की असली पहचान है? इस सवाल का उत्तर कि मेरे भारतीय होने की असली पहचान, असली परिभाषा क्या है, इस सवाल का उत्तर मुझे मिला जब मैंने एशियन रिले चैम्पियनशिप 2024 जो कि मई के महीने में बैंकॉक में हुई थी, उसमें हमारी जो मिक्स रिले टीम थी उसका परफॉर्मेंस देख के मुझे इस सवाल का, इस परिभाषा का उत्तर मिला। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, 4x400 meter रिले चैम्पियनशिप, शुरू में जो पहला लैप हमारी टीम के, भारत की टीम के मोहम्मद अजमल ने दौड़ा, और मोहम्मद अजमल जो कि 25 वर्ष के हैं, कितनी खूबी से उन्होंने ये लैप दौड़ा। लास्ट लेन में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी फर्स्ट पोजीशन पूरे टाइम तक मेंटेन की, और 400 मीटर पूरा करने के बाद उन्होंने बेटन ज्योतिका डांडीश्री को दिया, और ज्योतिका डांडीश्री भी एक अनुभवी एथलीट हैं, उन्होंने भी अपनी फर्स्ट पोजीशन मेंटेन की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेकंड लैप में अपनी लेन में रहना ज़रूरी नहीं होता है, और ज्योतिका डांडीश्री ने भी मोहम्मद अजमल की तरह ही अच्छा दौड़ते हुए, फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करते हुए उन्होंने कंप्लीट करने के बाद ये बैटन अमोद जेकब को दिया, और अमोद जेकब भी एक अनुभवी एथलीट हैं, उन्होंने भी फर्स्ट पोजीशन मेंटेन की, और उन्होंने भी अपना ये 400 मीटर अच्छे से दौड़कर ये बैटन उन्होंने आखिरी जो लैप के लिए सुबह वेंकटेश को दिया। सुबह वेंकटेश ने भी एक बहुत कुशलता के साथ और बखूबी के साथ अपना 400 मीटर में अपनी पोजीशन बरकरार रखी, और भारत की मिक्स रिले टीम ने ये 4x400 meter रिले चैम्पियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया और एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। 3:14.12 में पूरी ये 1600 मीटर दौड़ था। तो ये हमारे पूरे भारत देश के लिए बड़ी गर्व की बात है, और इस रिले चैम्पियनशिप ने मुझे अपने भारतीय होने की जो परिभाषा है उसका सही उत्तर मुझे दे दिया। तो इस 4x400 meter रिले चैम्पियनशिप में हमारी भारत की टीम ने, जो कि जो चारों सदस्य हैं अलग अलग धर्म के हैं, उन्होंने मिलजुल कर एक इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाया। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात मुझे ये बताया कि एक भारतीय होने की सच्ची परिभाषा क्या है। अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं भारतीय हूँ इसलिए नहीं कि मैं किसी एक धर्म का हूँ। अगर मैं मुसलमान भी होता, या अगर मैं ईसाई भी होता, या बौद्ध धर्म का भी होता, या सिख भी होता, तो मैं कम भारतीय नहीं होता। मैं समझता हूँ कि मेरे भारतीय होने की सच्ची और सही परिभाषा यही है कि मैं अच्छा नागरिक हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा नागरिक हूँ, अपने देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, और कानून के बताए हुए तरीके से काम कर रहा हूँ, संविधान में जो लिखा है उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा भारतीय हूँ। मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरी भारतीयता पर का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था। और आखिरी में मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।